वेलकम टू माय चैनल लखनवी नवाब, और मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार। तो आइए जानते हैं आखिर कैसा बनेगा राम मंदिर, इसके बारे में पूरी विस्तृत से जानकारी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, राम मंदिर 2 मंजिला होगा। इस मंदिर की लंबाई 270 मीटर, चौड़ाई 140 मीटर और ऊँचाई 125 मीटर होगी। मंदिर में जाने के लिए 5 दरवाजे होंगे। इनमें से सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडल, कोली, गर्भगृह और परिक्रमा मार्ग होगा। यह मंदिर नागर शैली में बना अष्टकोणी मंदिर होगा। इसमें भगवान राम की मूर्ति और राम दरबार होगा। मुख्य मंदिर के आगे पीछे सीता, लक्ष्मण, भरत और भगवान गणेश जी के मंदिर होंगे। यह अक्षरधाम मंदिर की शैली में बनेगा और मंदिर परिसर में संत निवास, शोध केंद्र, कर्मचारियों की आवास, भोजनालय इत्यादि का प्रबंध भी होगा। दोस्तों, मंदिर के निर्माण में लोहे का इस्तेमाल जरा सा भी नहीं किया जाएगा। मंदिर के फर्श में संगमरमर लगाया जाएगा। यह मंदिर 221 पिलर पर खड़ा होगा और इसमें आवागमन के लिए 24 द्वार बनाए जाएंगे। मंदिर के प्रत्येक खंभे पर 12 मूर्तियाँ उकेरी जाएंगी। यह मूर्तियाँ देवी देवताओं की होंगी और मंदिर के निर्माण में लगभग 2.5 से 3 साल का समय लगेगा। भारतीय शिल्प शास्त्र के हिसाब से इस मंदिर का निर्माण कराने का फैसला लिया गया है। इसकी परिक्रमा गोलाई में होगी और इस मंदिर का शिखर जो होगा अष्टकोणी होगा। मंदिर बनाने के लिए पत्थरों की तराशने का काम करीब 50% पूरा हो चुका है। जहाँ पर अभी राम जी विराजमान हैं, उसी चबूतरे पर मंदिर का गर्भगृह का निर्माण होगा। वर्ष 1989 में राम शिलाओं के पूजन का अभियान विहिप की ओर से चलाया गया। देश भर में गांव-गांव से पूजित शिला और 125 एकत्र किए गए। प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि न्यास और विश्व हिंदू परिषद की ओर से पत्थरों को मंगाने और तराशने का कार्य सितंबर 1990 में शुरू कर दिया गया था, जो कि अब लगभग 60% पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक कर दिए चैनल को मेरे, और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।